नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वास्को डी गामा पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि वास्को डी गामा स्टेशन से पटना जंक्शन तक चलती है। वास्को डी गामा पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर बुधवार को वास्को डी गामा स्टेशन से पटना जंक्शन तक चलती है और हर शनिवार को पटना जंक्शन से वास्को डी गामा स्टेशन तक चलती है। वास्को डी गामा स्टेशन से पटना जंक्शन तक 12,441 के रूप में संचालित होती है और विपरीत दिशा से पटना जंक्शन से वास्को डी गामा स्टेशन तक 12,742 के रूप में संचालित होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वास्को डी गामा स्टेशन से शाम के 7:05 में प्रस्थान होती है और 39:05 बाद तीसरे दिन की सुबह 10:10 में पटना जंक्शन पहुँचती है। वास्को डी गामा स्टेशन से पटना जंक्शन तक पहुँचने के लिए 3 दिनों में 21 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। तकरीबन 2,228 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है तकरीबन 57 किलोमीटर/आवर है। LHB कोच वाली ट्रेन है। अगर रूट की बात करें तो वास्को डी गामा स्टेशन से अपनी यात्रा को स्टार्ट करती है, फिर थिबिम स्टेशन होते हुए रत्नागिरी जंक्शन में पहुंचती है, फिर कल्याण जंक्शन, मनमाड जंक्शन, खांडवा जंक्शन, जबलपुर स्टेशन, सतना जंक्शन, प्रयागराज सेवकी जंक्शन, बक्सर स्टेशन होते हुए 39:05 बाद तीसरे दिन की सुबह 10:10 में पटना जंक्शन पहुँचती है। खाने पीने के बारे में बात करें तो वास्को डी गामा पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में खाने पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यात्रियों को खाने पीने के सामान अपने साथ स्टेशन से लेकर खाना होगा। अगर टिकट किराए के बारे में बात करें तो वास्को डी गामा पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में 2nd AC 3rd AC स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। तो मैं अभी आपको जो टिकट किराया बताऊंगा वास्को डी गामा स्टेशन से पटना जंक्शन तक का है, बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। वास्को डी गामा स्टेशन से पटना जंक्शन तक AC 2 टायर का किराया है 3,250 रुपया। वास्को डी गामा स्टेशन से पटना जंक्शन तक AC 3 टायर का किराया है 2,135 रुपया। वास्को डी गामा स्टेशन से पटना जंक्शन तक स्लीपर क्लास का किराया है 815 रुपया और वास्को डी गामा स्टेशन से पटना जंक्शन तक जनरल कोच का किराया है 465 रुपया। ये अपडेटेड है और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बात करते हैं। वास्को डी गामा पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ कितना समय के लिए रुकते हैं, उसका टाइम टेबल क्या है और जान लेते हैं कौन कौन से स्टेशन आते हैं। वास्को डी गामा स्टेशन को VSG शाम के 7:05 में वास्को डी गामा पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का यात्रा पटना जंक्शन के लिए प्रारंभ होते हैं। मोटगांव जंक्शन स्टेशन को MAU शाम के 7:50 में पहुंचती है और 8:05 में प्रस्थान करती है। 15 मिनट का स्टॉपेज है। थिबिम स्टेशन को THVM शाम के 9:15 में पहुंचती है और 9:17 में प्रस्थान करती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। सामनबाड़ी रोड स्टेशन को SWV शाम के 9:50 में पहुंचती है और 9:52 में प्रस्थान करती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। रत्नागिरी स्टेशन को RR रात के 12:50 में पहुंचती है और 12:55 में प्रस्थान करती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। सिपलून स्टेशन को CHI रात के 2:20 में पहुंचती है और 2:22 में प्रस्थान करती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। पनवेल जंक्शन स्टेशन को PNVR सुबह के 6:20 में पहुंचती है और 6:25 में प्रस्थान करती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। कल्याण जंक्शन स्टेशन को KYN सुबह के 7:27 में पहुंचती है और 7:30 में प्रस्थान करती है। 3 मिनट का स्टॉपेज है। नासिक रूट स्टेशन को MP सुबह के 10:10 में पहुंचती है और 10:15 में प्रस्थान करती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। मनमाड जंक्शन स्टेशन को MMR सुबह के 11:05 में पहुंचती है और 11:10 में प्रस्थान करती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। भुसावल जंक्शन स्टेशन को BSL दोपहर के 1:30 में पहुंचती है और 1:35 में प्रस्थान करती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। खंडवा जंक्शन स्टेशन को KNW दोपहर के 3:47 में पहुंचती है और 3:50 में प्रस्थान करती है। 3 मिनट का स्टॉपेज है।
इटरसी जॉनसन स्टेशन को टिकट थी। शाम के 6:15 में पहुंचती है और 6:25 में प्रस्थान करती है 10 मिनट का स्टॉपे से। जबलपुर जॉनसन स्टेशन को JBP रात के 10 बजे पहुंचती है और 10:10 में प्रस्थान करती है 10 मिनट का स्टॉपे से। कटनी जंक्शन स्टेशन को टिकट शाम के 11:30 में पहुंचती है और 11:35 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। छतना जंक्शन स्टेशन को एसती है रात के 12:50 में पहुंचती है और 12:55 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। प्रयागराज से उकी जंक्शन स्टेशन को PC1 सुबह के 5:15 में पहुंचती है और 7:07 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। पंडित डीडी उपाध्याय जंक्शन स्टेशन को DDU सुबह के 6:40 में पहुंचती है और 6:50 में प्रस्थान करती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। बक्सर स्टेशन स्टेशन को BXR सुबह के 7:58 में पहुंचती है और 8 बजे प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। आरा जंक्शन स्टेशन को ARE सुबह के 8:46 में पहुंचती है और 8:48 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। पटना जंक्शन स्टेशन को PNBE सुबह के 10:10 में पटना जंक्शन पहुंचती है। दोस्तों इसके साथ ही फास्ट फूड के मैं पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं किसी और ट्रेन के बारे में हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगा। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।